हाई प्रेशर और लो प्रेशर हीटर्स। हिंदी लेक्चर। थर्मल पावर प्लांट्स में हाई प्रेशर हीटर्स को फीड वाटर हीटिंग में इस्तेमाल करते हैं और लो प्रेशर हीटर्स को कंडेंसेट वाटर की हीटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों को हम रीजेनरेटिव हीटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम इस लेक्चर में बताएंगे। यह डायग्राम सबसे सिंपल स्टीम साइकिल को दर्शाता है। यह है स्टीम जनरेटर। यहाँ से स्टीम बनती है, स्टीम टरबाइन को जाती है। स्टीम टरबाइन के बाद जो है स्टीम की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, उसको हमने वापस कंडेंस करना है, वापस पानी में बदलना है। बिना पानी में बदले हमारा स्टीम साइकिल पूरा नहीं होता है, तो यहाँ पर कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं। कंडेंसर में बाहर से कूलिंग वाटर आता है और वापस जाता है, और ये कूलिंग वाटर स्टीम की बची हुई ऊर्जा को वापस निष्कासित कर देता है वातावरण में, और उससे जो है जो स्टीम है वो वापस पानी में बदल जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि स्टीम के अंदर जो ऊर्जा थी उसको हमें वातावरण में निष्कासित करना पड़ गया। उसके बाद फीड पंप द्वारा जो कंडेंस्ड वाटर है उसको हम बॉयलर में भेजते हैं। जो बॉयलर में पानी जा रहा है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर है, वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से है। उसको वापस स्टीम जनरेटर में गर्म करना पड़ता है, ठंडे पानी को गर्म करना पड़ता है, उसके बाद उसको स्टीम में बदलते हैं। तो यहाँ पे जो है ईंधन का खर्चा हो रहा है, पहले पानी को गर्म करो उसके बाद स्टीम में बदलो, और यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा जो उसके अंदर ऊर्जा है स्टीम के अंदर वो वातावरण में निष्कासित हो रही है। तो यहाँ देखिए ऊर्जा निष्कासित हो रही है मतलब व्यर्थ जा रही है, और यहाँ पे जो है ईंधन व्यर्थ जा रहा है क्योंकि पानी को गर्म करना पड़ रहा है। किसी तरह ये जो ऊर्जा व्यर्थ जा रही है उसको हम इस पानी को गर्म करने में अगर किसी तरह से इस्तेमाल कर सकें तो हमारी साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी को गर्म करने के लिए एक्स्ट्रा ईंधन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सो इस फीड वाटर को हीट करने के लिए इस ऊर्जा को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको हम रीजेनरेटिव हीटिंग बोलते हैं। इसको किस हिसाब से अचीव किया जा सकता है इसके बारे में हम अगले स्लाइड्स में बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले के स्लाइड में बताया, ये है सिंपल स्टीम साइकिल। इसके चार पार्ट हैं, स्टीम जनरेटर, स्टीम टरबाइन, कंडेंसर, बॉयलर फीड पंप। रैंकिन साइकिल जो है
एक आदर्श थर्मोडायनामिक साइकिल है उसमें ये प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। पहला प्रोसेस है स्टीम को पैदा करना बॉयलर के अंदर, और यह कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाता है। दूसरा प्रोसेस है एक्सपेंशन इन स्टीम टर्बाइन, इसको आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन द्वारा किया जाता है। आइसेंट्रॉपिक का मतलब है एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, जिसका सरल शब्दों में कह सकते हैं ना तो हीट एनर्जी दी जाएगी ना हीट एनर्जी ली जाएगी, एंट्रोपी सेम रहेगी। तीसरा जो प्रोसेस है वो है कंडेंसर, जिसमें स्टीम को वापस पानी में बदला जाता है। और चौथा प्रोसेस है कंडेंसेट को प्रेशराइज करके, और इसको भी आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन बोलते हैं, प्रेशराइज करके वापस बॉयलर में भेजना। अनुरोध, उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए आपके काम का है, आपको अच्छा लगेगा। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश आल्सो। यह डायग्राम थर्मल पावर प्लांट में टिपिकल स्टीम और वाटर के फ्लो को दर्शाता है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अगले स्लाइड्स में बताएंगे। यह डायग्राम थर्मल पावर प्लांट में सुपर हीट रीहीट रीजेनरेटिव साइकिल को दर्शाता है। रीहीट के बारे में हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। इस लेक्चर में हम रीजेनरेटिव साइकिल के बारे में बात करेंगे। इस डायग्राम में कुछ एब्रीविएशंस इस्तेमाल किए गए हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं। HPT हाई प्रेशर टर्बाइन, IPT इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन, LPT लो प्रेशर टर्बाइन, GEN जनरेटर, CONDकंडेंसर, CEP कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, GSC ग्लैंड स्टीम कूलर, LPH लो प्रेशर हीटर, BFP बॉयलर फीड पंप, DAerator दैट मीन्स DAerator, HPH हाई प्रेशर हीटर। यहाँ पे हम शुरुआत कंडेंसर से करेंगे। कंडेंसर में जो एग्जॉस्ट स्टीम थी, टरबाइन थी, उसको कंडेंस कर दिया गया है, और ये है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। इससे पानी पंप करके ग्लैंड स्टीम कूलर के थ्रू प्रवाहित किया जा रहा है। उसके बाद पानी जो है LP हीटर्स के थ्रू जा रहा है।
तो कंडेंसेट वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके बाद पानी जो है डिएरेटर में जाता है, डिएरेटर से पानी जो है बॉयलर फीड पंप द्वारा पंप किया जाता है और उसका फ्लो हाई प्रेशर हीटर्स के थ्रू है। हाई प्रेशर हीटर्स के थ्रू फ्लो करने से पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी है वो है एम्बिएंट टेम्परेचर पर, और यहाँ से जब फ्लो करते करते पानी जा रहा है एलपी हीटर्स, फिर डिएरेटर, फिर बॉयलर फीड पंप, फिर एचपी हीटर्स, तो पानी का टेम्परेचर पर्याप्त रूप से बढ़ जाता है। तो बॉयलर में ठंडा पानी जाने के बजाय अब पर्याप्त रूप से गर्म पानी जा रहा है, जिससे बॉयलर में ईंधन की बचत होगी। अब ये देखना है कि जो हीटर्स हैं इनमें हीटिंग कैसे हो रही है। हीटिंग जो है इस एचपी हीटर में हीटिंग हो रही है हाई प्रेशर टरबाइन के एक्सट्रैक्शन से। तो एक्सट्रैक्शन ने जो है फीड वाटर को हीट किया, एक्सट्रैक्शन जो है कंडेंसेट में कन्वर्ट हुआ और अपने ही प्रेशर डिफरेंस से ये कंडेंसेट यहाँ पहुँच गया। इस एचपी हीटर में दो चीज़ें जा रही हैं, एक तो यहाँ का कंडेंसेट जा रहा है, दूसरा इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन का एक्सट्रैक्शन जा रहा है, और फिर वापस ये दो चीज़ें कंडेंस हो रही हैं और ये कंडेंसेट जो है डिएरेटर में जा रहा है। तो डिएरेटर में गर्म पानी जा रहा है जो डिएरेशन के लिए चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए कि एलपी हीटर्स में इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन का एक्सट्रैक्शन जा रहा है, यहाँ पे हीट कर रहा है, फिर कंडेंस होके इस वाले एलपी हीटर में जा रहा है, इस वाले एलपी हीटर का कंडेंसेट इस वाले में जा रहा है, इस वाले का कंडेंसेट इसमें जा रहा है। तो ये देखिए बीच में कोई भी पंप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर इससे ज़्यादा है, ये प्रेशर इससे ज़्यादा है, तो प्रेशर डिफरेंस से ही पानी जो है फ्लो कर, जो कंडेंसेट है वो फ्लो कर रहा है, और जो बचा खुचा गर्म पानी है कंडेंसेट होके वापस कंडेंसर में जा रहा है। तो यहाँ देखिए हीट को भी इस्तेमाल कर लिया गया स्टीम की, और स्टीम से जो कंडेंसेट हुआ वो भी इस्तेमाल कर लिया, तो कहीं भी हीट का और पानी का वेस्टेज नहीं है कहीं भी, और बीच में कहीं भी पंप की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पंप केवल आपको चाहिए कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप और उसके बाद बॉयलर फीड पंप, दैट्स ऑल। तो ये आप देख रहे हैं कि टरबाइन से हम लोग ब्लीडिंग करके स्टीम निकाल रहे हैं, ब्लीडिंग करके, और उसको हीटर्स में यूज कर रहे हैं। तो इसी ब्लीडिंग स्टीम से हीट करने को हम लोग रीजनरेटिव हीटिंग बोलते हैं। तो पिछली डायग्राम में हमने दिखाया कि कैसे ब्लीडिंग करके हम लोग मल्टी स्टेज फीड हीटिंग प्राप्त कर रहे हैं। उसी चीज़ को हम टी एस प्लेन में इस तरह से दर्शाएंगे। तो उसी डायग्राम को हमने टी एस प्लेन में इस तरह से दर्शाया है। अभी इस डायग्राम का हम लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं देंगे, मे बी जब जरूरत पड़ेगी तो अगले किसी लेक्चर में बात करेंगे। तो फिलहाल यही समझ लीजिए कि जो हमने पिछले डायग्राम में दिखाया उसी डायग्राम का टी एस प्लेन में रिप्रेजेंटेशन है ये डायग्राम। रीजेनरेटिव रैंकिन साइकिल। रैंकिन साइकिल की इफिशियंसी कार्नोट साइकिल से कम है,
क्योंकि हीट का कुछ पोर्शन जो है बॉयलर में फीड वाटर को हीट करने में काम आ रहा है। अगर फीड वाटर को जो हीट करने में एनर्जी काम आ रही है वो उसको अगर हम लोग स्टीम पार्ट से ही ले लें तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो साइकिल जिसमें एफिशिएंसी को जैसा कि ऊपर बताया है उस तरह से बढ़ाया जाए तो इसको बोलते हैं रीजेनरेटिव साइकिल। मतलब हीट को स्टीम से ही ले करके फीड वाटर को हीट किया जाए। तो रीजेनरेटिव साइकिल में एक एनर्जी की जो निश्चित मात्रा है वो साइकिल के अंदर ही सर्कुलेट करती रहती है, जिसकी वजह से प्रोसेस की रिवर्सिबिलिटी इम्प्रूव कर जाती है, क्योंकि कोल्ड वाटर हॉट स्टीम में इंट्रैक्शन नहीं होता है। रीजेनरेशन का पर्पज या स्टेज ब्लीडिंग का पर्पज है साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ाना, ताकि एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब है कि स्टीम का कंजम्पशन टर्बाइन में कम हो और ईंधन का बॉयलर में कम इस्तेमाल हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और इसको एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग रीजेनरेटिव फीड हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम लोग टरबाइन की डिफरेंट स्टेजेस से स्टीम का एक्सट्रैक्शन करते हैं या ब्लीडिंग करते हैं। तो पहले हम स्टीम को एक्सपेंड करके टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं और उससे कुछ बची हुई स्टीम को जो है हम लोग फीड वाटर को प्री हीट करने में काम लेते हैं, ताकि बॉयलर में एंट्री करने से पहले ही फीड वाटर प्री हीटेड हो जाए। मतलब है कि हमने टरबाइन से डिफरेंट स्टेजेस पर जितनी स्टीम एक्सट्रैक्ट की तो उसको हमने पहले तो टरबाइन में एक्सपेंड करके उससे मैकेनिकल आउटपुट ले लिया और फिर उसको फीड वाटर में हीट करने में इस्तेमाल कर लिया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि उतनी स्टीम को अगर हम कंडेंसर में ठंडा करते और पानी में बदलते तो उतनी हीट जो है एटमॉस्फेयर में वातावरण में चली जाती, उसको हमने बचा लिया और उसी स्टीम को हमने फीड वाटर हीटिंग में इस्तेमाल कर लिया। तो इससे आपकी जो हीट एनर्जी वातावरण में वेस्ट जा रही थी उसको हमने बचा लिया और फीड वाटर हीटिंग में काम में ले लिया। अनुरोध, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया, आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज़ आल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश।